हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग ब्यूटी शाइनी। और मेरा नाम शाइनी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी बट इफ़ेक्टिव स्किन वाइटिंग मास्क। ये मास्क आप लोगों के स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जिससे आपके स्किन को स्किन वाइट होंगे। और इसके रेगुलर यूज़ करने से आपके स्किन का टोन वाइट होंगे, डार्क स्पॉट रिड्यूस होंगे, और अगर आपके स्किन पे कोई भी टैनिंग है वो भी रिड्यूस होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये वाला मास्क। पर इस वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएंगे। और हाँ, सब्सक्रिप्शंस बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये मास्क। ये दो इंग्रेडिएंट्स देखिए कैसे आप वाइट ग्लो पा सकते हैं, स्किन का टैनिंग भी जाएगा। कैसे होगा यही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। ये है मसूर दाल, मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ मसूर दाल लिया है, और इधर है 2 टेबलस्पून ऑफ राइस, ये है अनकुक्ड राइस। ये दोनों को मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से मैंने फाइनली मिक्स करूँगी। ये दोनों आपको ऐसे ग्रेट फाइनली एकदम ग्राइंड करना है ऐसे। फिर उसके बाद आप एक बोल लीजिए, इसमें आप 1 टेबलस्पून राइस दे दीजिए और 1 टेबलस्पून मसूर दाल दे दीजिए। ये जो एक्स्ट्रा है ये आप रख दीजिएगा एक जार में। ये आप हफ्ते में 1 मंथ के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला पेस्ट आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक टोमेटो लीजिए, टोमेटो को अच्छे से ग्रेट कीजिए। ये देखिए मैंने ये टोमेटो ग्रेट कर चुकी हूँ। यहाँ से आप टोमेटो लीजिए 1 टेबलस्पून, मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ टोमेटो। फिर उसके बाद आप इसमें रॉ मिल्क ऐड कीजिए। मैं आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं या योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से एक पेस्ट बनाइए। फिर लास्ट में आप इसमें थोड़ा पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड कीजिए, ऐसे हल्दी ऐड कीजिए। इसको अच्छे से पेस्ट बनाइए। ये मेरा पेस्ट रेडी है। बेनिफिट्स ऑफ राइस। राइस वर्क्स ऑन साइन ऑफ एजिंग। राइस एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑयल को, आपकी स्किन को टाइटिंग करता है, पोर्स को रिड्यूस करता है, स्किन को सूथ्स करता है और रिपेयर करता है स्किन को। बेनिफिट्स ऑफ मसूर दाल। रेड लेंटिल्स का बेनिफिट्स क्या है? इट वर्क्स एज एन अमेजिंग स्किन क्लींजर, आपकी स्किन क्लींजर के हिसाब से काम करता है। उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है जो आपके रिंकल्स और रिंकल्स को रिड्यूस करता है, और अर्ली साइन और अर्ली स्किन एजिंग को भी प्रिवेंट करता है। और ये नेचुरल एक्सफोलिएटर है, और ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट भी देता है जो हम लोग के स्किन टोन को ब्राइटन करता है। आपके जो जो एक्नी है वो भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, आपके टैन और या डार्क स्पॉट्स सब कुछ रिड्यूस करता है।
नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक आपके स्किन पे एक ग्लो लाता है, बूस्ट करता है हीलिंग, आपके स्किन को हील करने के लिए हेल्प करता है और एक्ने भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड्स और विटामिन्स प्रोटीन्स होता है जो हाइड्रेटिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है, जो आपके स्किन पे एक मॉइस्चराइजर हिसाब से काम करता है और ये एक टोनर गुड टोनर भी है स्किन के लिए। ये क्लियर करता है डार्क स्पॉट, टैनिंग एंड एक्ने। फेस को अच्छे से पानी से धो के फिर ये वाला पेस्ट ऐसे आपके फेस पे लगा दीजिए, पूरे फेस पे अच्छे से लगा दीजिए। गले पे भी लगाइएगा अच्छे से एकदम। फिर छोटा छोटा पार्टिकल्स रहेगा, वो पार्टिकल आपके स्किन को स्क्रब करने के लिए हेल्प करेगा। अच्छे से एकदम फेस पे लगा लीजिए। इसको इसको लगाने के बाद गले पे भी आप मिक्स मत कीजिए, मेरे गले में भी थोड़ा ब्लैक स्पॉट्स है उधर मैं लगा रही हूँ। आप अगर आप लोगों का भी ब्लैक स्पॉट्स है तो आप भी उसे लगा सकते हैं। पूरे फेस पे अच्छे से लगाने के बाद आप ये 5 to 10 minutes तक आप रखिए, फिर इसको अच्छे से स्क्रब करके आप धो दीजिए। मेरा 5 to 10 minutes तक मैंने रख दिया, अभी मैं स्क्रब करूँगी। थोड़ा हाथ को ऐसे वेट कर लेना, पानी से वेट करने के बाद इसको अच्छे से स्क्रबिंग करना, ऐसे स्क्रब करना सब जगह से ऐसे 5 minutes तक। अब 5 minutes तक अच्छे से स्क्रब करना, अगर पानी सूख जाएंगे तो और थोड़ा पानी ले लेना। ये नहाने से पहले या नहाने जाने के समय आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों के सामने से ही पानी यूज़ करके दिखा रही हूँ। अच्छे से स्क्रबिंग 5 minutes तक ऐसे स्क्रबिंग करना सब जगह आपके जो ब्लैक हेड्स है। ये हफ्ते में आप 2 to 3 बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग स्किन ग्लो करेगा, आपका सब टैन चला जाएगा, डार्क स्पॉट्स जो जो है वो सब चला जाएगा। मैं आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट शेयर करूंगी। देखिए ऐसे राउंड राउंड नीचे मत कीजिएगा, ऐसे ऊपर करके अब राउंड 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 करके स्क्रब कीजिए अच्छे से नाक के इधर। अब हम लोगों का इधर ब्लैक हेड्स होता है, वाइट हेड्स होता है, सब स्क्रबिंग कोने से चला जाएगा। और होंठ भी स्क्रब कर सकते हैं, गले का एरिया मत भूलिए, अच्छे से सब स्क्रब कीजिएगा। के बाद के फेस को अच्छे से वार्म वाटर से भी धो सकते हैं या रेगुलर वाटर से भी आप धो सकते हैं। मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ।
ये आप रोज यूज कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, कभी भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत इफेक्टिव है। देखिए मेरा स्किन बहुत ही, मैं अभी देख रही हूँ मेरा स्किन बहुत ही ग्लो कर रहा है और बहुत सॉफ्ट भी फील कर रहा है। ये रेगुलर यूज़ करने से आपकी स्किन को बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके स्किन का सब स्पॉट्स चला जाएगा, आपके वाइट स्किन पा सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।